दोस्तों नंबर थ्योरी के लेक्चर सीरीज में एक थ्योरम और है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो एंड के इज एनी इंटीजर्स देन के ए और के बी का जो जीसीडी है उसको के बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम है, इसका प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिख देना है अपन को कि ए और बी दो इंटीजर है, नॉट बोथ जीरो, और के कोई अन्य इंटीजर है। यहाँ पर के वैसे मॉडुलस में दिया हुआ है, अगर के मॉडुलस में नहीं भी दे रखा हो तो आप अज्यूम कर लेना कि के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आगे हम लेट करते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि डी इज जी सी डी है। डी क्या है, जी सी डी है ए और बी का, जो यहाँ पर ए और बी जो इंटीजर है उनका जी सी डी है। एंड डी वन इज आल्सो जी सी डी, किसका जी सी डी है, ए और बी का नहीं, के ए और के बी का, जो यहाँ पर के ए और के बी जो के इंटीजर दे रखा था, के ए और के बी था उनका जी सी डी डी वन, अपन ने ये लेट कर लिया है। आगे चलते हैं, अगर डी इसका जी सी डी है तो अपन डी को इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट के रूप में लिख सकते हैं। और डी अगर ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट के रूप में लिख दिया, अब दोनों साइड के से गुणा कर लो, के इंटू डी बराबर के ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट। ठीक है दोस्तों, अब के इंटू डी बराबर के ए एक्स नोट, आगे सॉल्व किया दोस्तों के बी वाई नोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। आप इसे इक्वेशन वन डाल सकते हो या रहने भी दे सकते हो। अब डी वन जी से डी है के और के ए और के बी का, तो सेम टू सेम यही कंडीशन इधर होगी, डी वन इज के ए एक्स नोट प्लस के बी वाई नोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम d1 से डिवाइड करें दोनों साइड, या फिर के ए एक्स नॉट प्लस के बी वाई नॉट से डिवाइड करें, या फिर d1 से डिवाइड करें, बात तो एक ही है, d1 से डिवाइड कर लो दोस्तों, तो बट्टा d और इसको भी d। यहाँ पर दोस्तों जो लीनियर कॉम्बिनेशन में वो d1 वन जी से डी है के और के बी का, तो पक्का है d1 इज डिवाइड करेगा के ए एक्स नॉट प्लस के बी वाई नॉट। दोस्तों ठीक उसी प्रकार जैसे डी जी सी डी है ए और बी का, डी को इस प्रकार से लिख दिया तो डी ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट को तो डिवाइड करेगा, वैसे डी वन इस डिवाइड करेगा के ए एक्स नॉट प्लस के बी वाई नॉट को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब इसको डिवाइड करेगा, ये एक इंटीजर बन जाएगा। और ये इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डी वन है दोस्तों, डी वन है वो डी वन के डी को भी डिवाइड करेगा, इससे को भी डिवाइड करेगा, इसे आप समीकरण नंबर एक दे सकते हो। आगे चलते हैं, डी क्या था, जी सी डी था ए कॉमा बी का, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा। अब दोनों साइड कैसे गुणा करो, के डी के ए को भी डिवाइड करेगा और के इंटू डी के बी को भी। दोस्तों के लगा दिए दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डिवाइड तो करेगा ही फिर भी। आगे चलते हैं अपन, इधर इधर क्या है कि डी वन के ए एक्स नॉट प्लस के बी वाई नॉट को डिवाइड करा, तो डी वन के ए को भी डिवाइड करेगा, डी वन के बी को भी डिवाइड करेगा, ये जो जी सी डी है नॉर्मल कंडीशन है, होगी सेटिस्फाई। अब आगे देखते हैं अपन कि डी वन जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब डी वन क्या है, जी सी डी, डी वन इज जी सी डी ऑफ ए के ए और के बी है यहाँ पर, और जो के डी है के इंटू डी है, के इंटू डी है यहाँ पर, के ए और के बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब के ए और के बी को केवल डी वन ही नहीं, डी वन तो जी सी डी था इसलिए डिवाइड तो करेगा ही, और यहाँ पर के डी भी के ए और के बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा के डी, मतलब के डी इज डिवाइड कर रहा है डी वन को, के डी डिवाइड कर रहा है डी वन को। ये क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो के इंटू डी था वो कॉमन डिवाइजर है, के इंटू डी क्या है, कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर है दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो ये है, ये जी सी डी था, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था, लेकिन जो कॉमन डिवाइजर वो के डी भी है, क्योंकि के डी के ए को भी डिवाइड कर रहा है, के बी को भी डिवाइड कर रहा है, और डी वन जो था के ए एक्स नॉट, डी वन जो था के ए और के बी का था, तो के ए और के बी को अगर के डी डिवाइड कर रहा है, मतलब के डी कॉमन डिवाइजर है, और जो जी सी डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, और ये कॉमन डिवाइजर, तो कॉमन डिवाइजर जो होता है वो जी सी डी को डिवाइड करता है हमेशा, कॉमन डिवाइजर जो होता है वो जी सी डी को, आप एग्जांपल से भी इसे समझ सकते हो, आप कोई भी दो एग्जांपल देखिए, जैसे चार और बारह है उससे समझ सकते हो आराम से, तो जिसमें चार और बारह में इनका जो जी सी डी है वो चार है, लेकिन जो दो भी है
कॉमन डिवाइजर जो दो चार दो है वो चार को डिवाइड करता है, उसी प्रकार से जो कॉमन डिवाइजर है वो जीसीडी को डिवाइड करता है दोस्तों। तो यहाँ तक आ गया, इसे समीकरण नंबर अपन दो लिख सकते। एक और दो क्या बोल रही है, एक और दो ये बोल रही है कि डी वन अगर के डी को डिवाइड करता है और के डी अगर डी वन को डिवाइड, ये समीकरण बोल रही है कि डी वन के डी को भी डिवाइड करता है, के डी डी वन को भी डिवाइड करता है। ये पॉसिबल तभी होगा जब के डी बराबर होगा डी वन, डी वन किसके बराबर होगा के डी के, मतलब कोई भी जो इंटीजर है अगर एक दूसरे को डिवाइड करे तो मतलब सरल सी बात है कि दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर के डी बराबर डी वन हो गया, यहाँ पर आ गया के डी बराबर डी वन, तो के डी बराबर डी वन अपन ने लिख दिया है। अब के इससे कैसे, डी क्या था जी सी डी ऑफ ए कोमा बी, और डी वन क्या था जी सी डी ऑफ के ए कॉमा के बी। तो जी सी डी को उठा दो चाहे, के ए कॉमा बी बराबर के ए कॉमा के बी, या इसका उल्टा ये लिख दो के ए के बी बराबर के ए बी, या के यहाँ पर अगर लेस देन जीरो है तो अपन मोड लगा देंगे उस कंडीशन में, और के अगर ग्रेटर देन जीरो है तो भी मोड लगा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव होती है। तो अपने लास्ट में क्या किया कि के डी बराबर डी वन तक अपने प्रूव कर लिया था, अब के डी बराबर डी वन, तो के ऐसे किसी डी यहाँ पर जी सी डी था दोस्तों, के यहाँ पर जो डी यहाँ था, डी क्या था ए कॉमा बी का जी सी डी था, डी वन के ए के बी का जी सी डी था। तो यहाँ पर जो के ऐसे किसी डी था जो जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, और डी वन था जो के ए और के बी का जी सी डी था, जी सी डी को मैंने अठा दिया, यहाँ से के ए बी के ए के बी आ गया, तो के ए के बी यहाँ पर के ए बी अपन को यही प्रूव करना था दोस्तों, के ए के बी मॉडुलस के ए बी, तो के ए के बी मॉडुलस के ए बी। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये थ्योरम समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि अपन जी सी डी में अगर एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं कि ए और बी का कॉमन कोई मल्टीपल जैसे के है, तो अपन उसको बाहर रख सकते हैं और अंदर दोनों इंटीजर्स को लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम बोलती थी, और इस थ्योरम का प्रूफ देख लिया इस वीडियो में। अब अगले नेक्स्ट वीडियो हम प्राइम नंबर शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।